सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। रेस्क्यू ऑपरेशन की साइट के ठीक बाहर एक एम्बुलेंस खड़ा है। आप इस एम्बुलेंस को देखिए और उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है H2 वो पढ़िए और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की जो पूरी जो मूवमेंट होने वाली है, गाड़ियों की, एम्बुलेंस की मूवमेंट है, उसको समझिए। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तैयार करके रखा गया था प्लान में और अब उसी ग्रीन कॉरिडोर का आपको उसकी झलकियां, उसका ट्रेलर देखने को मिलेगा। यानी कि गाड़ियों पे मार्किंग पहले से कर दी गई है। उत्तरकाशी 108 एम्बुलेंस, तो ये नंबरिंग हो गई है, यानी कि 20 से लेके या 30 जितने भी नंबर ऑफ एम्बुलेंसेज होंगे उन सबको ये वो जगह है, सबसे अहम जगह हो जाएगी। अब से कुछ देर बाद ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं जहां पे अभी आपको पुलिस दिखाई देगी उत्तराखंड की, पीछे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के सारे जवान दिखाई देंगे और यहां सड़कों, जो सड़क है कच्ची सड़क थी उसमें जो गड्ढे थे उसको भरा जा रहा है, पॉटहोल्स को भरा जा रहा है, मिट्टी डाला जा रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हलचल तेज हो गई है। क्या हलचल ये है? ऐसी उम्मीद है जो आखिरी 3 मीटर की पाइपलाइन जिसकी वेल्डिंग चल रही है वो जल्दी ही इंस्टॉल कर लिया जाएगा और उसके इंस्टॉल होते ही काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। देखिए अभी तक ये सब कुछ जब हम कह रहे हैं वो इस बात पे, ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा इस बात पे आ रहा है कि अभी तक रैट माइनस के सामने बहुत बड़ी कोई अड़चन नहीं आई है और वो हाथ से मलबे को निकाल पाने में सफल रहे हैं। सिलखियारा रेस्क्यू ऑपरेशन की इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त इसलिए, इस वजह से कि सब पहले से इंतजार हो रहा था कि आखिरकार कब ये एम्बुलेंसेज सिलखियारा के गेट तक पहुंचेंगी, कब उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और देखिए उसका आखिरी प्रिपरेशन अब शुरू हो गया है। एम्बुलेंसेज को सिलखियारा टनल के ठीक बाहर लगाया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान स्टैंड बाय पे हैं, स्ट्रेचर्स को साथ साथ लगाया जा रहा है और साथ ही जो मेडिकल यहाँ पे सेटअप लगेगा जब उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा उसको भी बाहर रख लिया गया है। यानी कि स्पष्ट हो चुका है अब कि आखिरी लेग में ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है। अधिकारियों ने पहले ही बताया 55.3 मीटर की दूरी तय हो चुकी है। आखिरी का 3 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर ये अधिकतम डिस्टेंस है जिसको अभी कवर करना है रेस्क्यू टीम्स को, लेकिन उसके पहले ये अहम तस्वीरें सिलखियारा टनल के ठीक बाहर से आ रही हैं, जहां पे एक के बाद एक आपको एम्बुलेंसेस लाइंड अप दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये एक फिर से एक बार ट्रायल लिया जाएगा कि जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जैसे एम्बुलेंसेस को स्कॉट करके बाहर निकाला जाएगा, उसका इस वक्त आखिरी ट्रायल हो रहा है। स्पष्ट है, ये तस्वीरें स्पष्ट कर रही हैं कि आज देर शाम तक जिस पल का देश भर को इंतजार था वो पल आएगा। 41 मजदूर जो सिलखियारा टनल में पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं उन सबको निकाला जाएगा और अब देखिए आखिरी क्षणों में आखिरी तैयारियां ये इस वक्त आपको दिखाई देंगी। एम्बुलेंसेस के अंदर एक एक करके सामान भरा जा रहा है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो डाला जा रहा है, मास्क हमने देखा है इनके अंदर, स्ट्रेचर्स को डाला गया है और डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है वो तैनात है और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की भी जो टीम है वो लगातार मूवमेंट कर रही है। देखिए अंदर कुछ सामान ले जाया जा रहा है, संभवतः कपड़े हो सकते हैं, मास्क हो सकता है, ये सारी चीजें एसडीआरएफ की टीम अभी अंदर ले जा रही है। यानी कि क्योंकि ये लास्ट लेग है ऑपरेशन का, उसको लेकर उस लिहाज से सारी तैयारियां कर ली जा रही हैं और हलचल बिल्कुल सुबह से ही आज बढ़ी हुई है। उम्मीद यही लगा सकते हैं एम्बुलेंसेस की इन तस्वीरों को देख के कि अब ब्रेक थ्रू के बहुत करीब हैं तमाम जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं, अथॉरिटीज हैं और जल्द ही ब्रेक थ्रू मिलेगा। 41 मजदूर बाहर आएंगे और उसके बाद उनको यहां पे तुरंत से जो मेडिकल चेकअप होना है उनका वो करके उनको सीधे चिन्यालीसौड़ जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पर ले जाया जाएगा। आपको ड्रोन्स भी उड़ते हुए दिखाई देंगे पूरे ऑपरेशन पे ध्यान रखने के लिए। ड्रोन्स का इस्तेमाल इस वक्त हो रहा है और सिलखियारा टनल से ये सबसे बड़ी तस्वीर जहां एम्बुलेंसेस लाइंड अप है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ लाइंड अप है और डॉक्टर्स भी अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाह रहे हैं।